हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुश स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज जा रहे हैं आज हम जा रहे हैं फिर से लोनी, और इंजेक्शन लगना है जियो के, और भी मैं अपनी दवाई भी लेके आऊँगी और तैयार ऐसे ही होती हूँ मैं। तैयार भैया भी चले जाएंगे क्योंकि मुँह पर तो वैसे भी ऐसे करके जाना है। तो मिलते हैं फिर आप सभी से, मैं भैया का फ़ोन उठा लेती हूँ। तो जी, यहाँ से हम आ गए थे लोनी से वापस, और मैंने वहाँ पे कोई सूट नहीं किया था, तो सॉरी, आराम से बोलने की कोशिश करूँ क्योंकि मेरी आज बिल्कुल बोलने की हिम्मत नहीं है, बहुत ज़बरदस्ती बोल रही हूँ। तो बस थोड़ा सा आती बार घर के पास ही आ लिए थे तब मैंने सूट किया था। तो ये वीडियो है मेरी, किस दिन की है, वहाँ से सोमवार की है शायद, मंगलवार की इसी मंगलवार की है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। मैंने बोला ना एडिट करने की हिम्मत नहीं है, तबीयत ठीक नहीं चल रही बिल्कुल भी। तो आप सबको बस इतना थोड़ा सा ही रास्ते का सूट किया है। तो घर के पास आ गए थे तो देखो चारों तरफ मतलब जंगल ही जंगल है, अच्छा लगता है मुझे तो खुला खुला सा, और आप सभी को भी उम्मीद करते हैं आप सबको भी अच्छा लगता होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा सूट किया था कि आप सब भी देखें और अच्छा लगे। रोड का तो क्या सूट करती, भीड़ भीड़ वो तो सब देखते ही, आजकल जंगल ही कम मिलता है देखने के लिए कि भाई कहीं घास फूस ग्रीनरी अच्छा लगता है। और यहाँ पे भैंस गाय भी, जैसे पास के गांव में तो सबकी भैंस गाय भी होती हैं, और मेरा घर पहचान लो टंकी के पास है, वो टंकी है ना जो दिख रही है उसी के पास मेरा घर है, ये समझ लो वहीं मेरा घर है, मतलब सामने नज़र आती है घर के सामने। तो जी बस मेरे से नहीं बोला जाएगा, छोटी सी वीडियो है ये, तो बाकी तो उसी दिन का है जो मैंने बोला था, आज छोटी सी वीडियो मुझे बहुत मुश्किल हो रही है। और मेरा नाम है हिमांशी, बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बस चाहिए कब लोग कौन अभी ट्यूशन से आए हो और मम्मी अभी आप क्या कर रहे हो? थोड़ी सी वीडियो बना ली उससे पहले हैं? बेटा आज बैंगन का भरता बना रहे हैं, सांस भी नहीं आ रहा बोलती बात। यहाँ से मुझे जाली वाला गेट दिखाना पड़ रहा है, चटनी बनवानी तेरे पापा, मैंने सोचा बैंगन भी इसी में भून लेंगे, ये कई दिन से कह रहे हैं तो आलू भूनना है, इसमें सबसे बड़ा काम यही था। तो पापा कल बोल भी रहे थे आलू की चटनी में बैंगन गिरेंगे। नहीं नहीं, ये बैंगन का भरता बनेगा, मजाक कर रहे थे। ओह, आलू भूनने हैं उन्हें, भून के खाने हैं, मतलब चटनी खानी है, उबले हुए आलू की अच्छी नहीं लगती। थैंक यू सो मच मम्मा, बैगन का भरता मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगता है और मेरा मन भी कर रहा था, मुझे भी अच्छा लगता है।
और यहाँ पे जाली वाला गेट लग रहा है ताकि जियो ना आ सके। यहाँ पे मम्मी है, ठीक है तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज बढ़िया लगा तो बोलना चाहिए, मेहनत कर ली बहुत, जरूरत ही लगी पड़ी है। जब से मैं स्कूल ट्यूशन गया हूँ गाइज, आप लोग देख सकते हैं मेरी मम्मी कैसे बात करते हैं, देख लो गाइज, गाइज गाइज देख लो, बहुत काम करवा। सॉरी मम्मा, 5 बजे तो पोछा लगाया हो, जब साफ करा फिर गंदा कर दिया, एकदम ऐसे कर दिया जैसे धो दिया हो। मम्मी मैंने भी सुबह धोया था, तो मैंने आप धोया नहीं समझ ले, 5 बजे पोछा लगाया हो, मायने रखे। बाय बाय, चला गया ये, अभी मानसी बना रही है वीडियो, कुछ कुछ बैंगन का भट्टा तो घोट दिया है मैंने पूरी जान लगा के, टेस्टी लग रहा है ऐसे ऐसे करके, और खा के किसी ने नहीं देखा, खा के जाएंगे बाद में। और आज बहुत कई महीने में बनाया है, शायद यहाँ मैंने पहली बार बनाया है, है ना, बनाया एक बार और जब आए आए जब मिलते हैं, तो बना लेंगे हमें कहा, कल ना बनाई तो हम तो वीडियो बना लेंगे, कल तो बनाई नहीं हमने, बना रही हूँ और का सिवा काट रहा हूँ दूध का, फिर जल्दी चले आए हम 4 बजे, अब बज रहे 5 और मम्मी ने ले लिए और भी सूट, सूट अभी दिखा के धर दिए, मेरे याद आया तो मैं अब वीडियो बना लूँ, अब दूध काटने की वीडियो मैंने बनाई नहीं कल, जैसे कि मैंने बताया ना जल्दी आ गई, तो आज सुबह से भी जैसे आप देख रहे होंगे तो भाभी के घर ही ब्लॉग भी बनाया हमने वहीं, अभी मम्मी सूट दिखा रही, मम्मी ने सूट लिए कल, तो सूट वाले भी आए नोए आज आएंगे, तो मम्मी जल्दी कह रही कि बाद में दूंगी तेरा सितारा, वो वे सूट अच्छे लग रहे, मम्मी ऐसा लग रही कि महंगे और सस्ते को पूछो, तो वो वे सूट अच्छे लग रहे जो मैं लेके आई है ना मम्मी, वो वे सूट अच्छे लग रहे, तू जो सोच रही होगी अच्छे ना लगे तू ही लेगी लौटे या मर लिए, और सूट वो वे सूट सच में ही अच्छे लग रहे, अब तेने या मर लिए होंगे और सूट मेरे लौटे अच्छे ना लगे, बहुत अच्छे लग रहे वे सूट, जीत लाई मैं उन्होंने, ठीक है अब वीडियो बंद कर रहे हैं हम, मैं कह रही हूँ मैं जीत लाई पर खुश जीत है, करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा, ऐसे ही दूध काट काट के तू मेरा नाम रोशन कर, हाँ सही है सही है भाई सही है, दूध तो थोड़ा सा ही देवे यही में लग रहा हूँ बाल्टी में, वैसे पूरा लग रहा हूँ, अब देखो थोड़ा सा ही है दूध, तो दूध तो थारी भैंस थोड़ा सा ही देवे, चलो मैं ठीक है तो है ठीक है मम्मी।
बहुत गर्मी ही कई दिन से बहुत ज़्यादा। शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, आज बुध, पूरे दिन बहुत गर्मी रही है। अब बज रहे हैं 6:30 या 7:45 का टाइम हो रहा होगा, 7 बज रहे होंगे, मैंने देखा नहीं है टाइम, देख के बताती हूँ आपको। टाइम 7 बजने वाले हैं, 5 मिनट रह रहे हैं, और अब बारिश स्टार्ट हुई है और हवा से ही इतना अच्छा मौसम हो गया है, बहुत ही बेहतरीन अच्छा लग रहा है। और मैं अभी पूरी किचन में लगी हुई थी, पूरा किचन में जब मैं घुसी हूँ ना, पसीने पसीने बुरी हालत थी, और एकदम से ही किचन में ठंडी हवा आने लगी, मतलब ठंडा सा लगने लगा। हवा तो कहाँ से आएगी, वहाँ कहीं हवा का है ही नहीं, और ठंडा सा फील होने लगा। आके बाहर देखा तो ये मौसम हो रहा है जी, ये देखिए बारिश भी हो गई है। और मैं जियो को भी ले आई हूँ, जियो चल बाहर चलते हैं, अंदर तो गर्मी लग रही है, नहीं अब गर्मी नहीं लग रही अंदर भी। और मैं रोटियां बनाती हूँ, रोटियां बनाने के लिए अच्छा मौसम हो गया है। आहा क्या हवा चल रही है, हवा तो देखो क्या चल रही है हवा। और मेरा अंदर जाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन रोटियां बनानी है, सब्जी तो मैं बना के आई हूँ, और आलू की चटनी। कि आप सबने देखा ही होगा कि आलू मैंने कल भुने थे, और मैंने बैंगन का भरता बनाया था तो चटनी नहीं बनाई थी, तो मैंने फ्रिज में रख दिए थे, आज बनाई है मैंने चटनी आलू की, तो खाएंगे सब।